नमस्ते। पास और आदिवासियों का हमेशा से बहुत ही नज़दीकी रिश्ता रहा है, ये शायद हम सभी जानते हैं। तो आज आपको बांस की उत्पत्ति के बारे में, आदिवासियों के बीच में जो एक लोक कथा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में आदिवासी बांस की उत्पत्ति से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते हैं, तो वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। और इस कहानी के पीछे क्या मैसेज दिया जाता है, क्या कारण हो सकता है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आदिवासियों के बीच में प्रचलित ये कहानी कुछ ऐसी है। एक बार एक आदिवासी गांव में एक घर होता है, उसमें चार भाई और एक बहन रहते हैं। जो आदिवासी भाई रहते हैं वो मजदूरी का काम करते हैं, बहन जो है वो घर को संभालती है और भाइयों के लिए भोजन आदि का प्रबंध करती है। तो भाई सुबह काम पे जाते हैं, शाम को लौटते हैं, शाम को उनकी बहन उनको खाना खिलाती है। तो एक दिन दिन में खाना बनाते समय बहन का हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून की एक बूंद जो है वो खाने में जाकर गिर जाती है। शाम को जब भाई लौटते हैं तो बहन उनको खाना परोसती है। वो खाने को खाते हैं तो उनको खाना काफी स्वादिष्ट मालूम पड़ता है। तो वो अपनी बहन से पूछते हैं कि आज खाना इतना स्वादिष्ट क्यों लग रहा है। तो उनकी बहन जो है वो बताती है कि आज दिन में खाना बनाते समय मेरा हाथ कट गया और एक बूंद खून उस खाने में जाकर मिल गई, शायद यह कारण हो कि खाना स्वादिष्ट है। तो वो भाई सोचते हैं कि अगर बहन का एक बूंद खून गिर जाने से खाना इतना स्वादिष्ट हो सकता है तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। तो फिर एक दिन वो चारों भाई मिलकर अपनी बहन को मार देते हैं और उसके मांस के चार हिस्से कर लेते हैं। तीन भाई अपना एक एक हिस्सा अपनी बहन के मांस का खा लेते हैं। एक भाई बाहर चला जाता है, वो कुछ दिन नहीं लौटता है, तो उसके भाई उसका हिस्सा जमीन में गाड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद उस जगह से बांस का पौधा निकलता है। तो आदिवासी इसको बांस की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। वो उस बहन के मांस से बांस की उत्पत्ति होना बताते हैं। तो ये कहानी है जो आदिवासी समाज में काफी प्रचलित है कि बांस की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसीलिए आदिवासी बांस को बांसा देवी के नाम से पूजते हैं। कई जगहों पर आदिवासी इलाकों में बांसा देवी के मंदिर होते हैं। भोपाल का जनजातीय संग्रहालय जो है वहाँ पर बांसा देवी के इस कहानी का चित्रण भी किया गया है। अब इस कहानी से सीख क्या मिलती है, हम लोग एक एक करके इस कहानी के पहलुओं पर विचार करें। पहली बात तो ये कि इस कहानी के माध्यम से आदिवासियों का बांस के साथ जो रिश्ता है उसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है, दिखाया गया है। बांस आदिवासियों का घर बनाने से लेकर भोजन से लेकर खेतों की बाकी जानवरों से सुरक्षा से लेकर तमाम कार्यों में इस्तेमाल होता है। बांस के बगैर शायद आदिवासियों के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज के समय में चीजें बदल रही हैं, लेकिन आज से पहले आदिवासी समाज बगैर बांस के नहीं चल सकता था। तो पहली बात तो इस कहानी के माध्यम से बांस और आदिवासियों के रिश्ते को बताया गया है। दूसरा, मांस की लालच, स्वाद के लिए किसी को भी मार कर खा लेने की लालच, इस कहानी में इस बात को भी समझाया गया है कि मांस की लालच, स्वाद के लिए मांस की लालच के लिए भाइयों ने अपनी बहन तक को मार डाला। तो ये कहानी हमें यह भी सीख देती है कि ये जो स्वाद की लालच है, लोग स्वाद के लिए मांस खा रहे हैं, ये आदिवासी समाज में भी रहा है, ये पुराने समय से भी रहा है, आज भी यही चीजें हैं। लोग कहते हैं कि मांस बहुत लजीज होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, उसके लिए वो किसी भी चीज की परवाह ना करके किसी भी जानवर को मारकर उसका मांस खा लेते हैं। और तो ये एक जो बात है, ये एक जो करुण बात है, इसको भी इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है। इसका एक और पहलू है
कि अब मांस की जो लालच है उसके पीछे क्या मर्म छिपा हुआ है, क्या पीड़ा छिपी हुई है। ये कहानी इस बात को भी बयां करती है कि कैसे सिर्फ स्वाद की लालच में भाइयों ने अपनी बहन को मार डाला, उसका मांस खा लिया। तो ये कहानी शायद यह भी संदेश देती है कि जब हम स्वाद के लिए एक मांस की लालच करते हैं तो उसके लिए हम कितने दर्दनाक तरीके से अपने आसपास के लोगों की, पशुओं की हत्या करते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं। तो ये मर्म भी, ये पीड़ा भी ये कहानी बड़े अच्छे ढंग से समझाती है। और बाद में मानव जीवन और जो वनस्पतियां हैं उसके बीच का जो संबंध है, मानव के बीच में बांस का जो संबंध है, उसको भी बांस की उत्पत्ति और बहन की मांस के जमीन में दबाए जाने को जोड़ते हुए ये कहानी ये बात भी लोगों को समझाती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का खून खाने में मिल जाने से या किसी का मांस खाने में मिल जाने से खाना स्वादिष्ट नहीं होता है, बल्कि इसके कारण बहुत ही ज्यादा पीड़ा और बहुत ही ज्यादा क्रूरता सहनी पड़ती है उन लोगों को जिनको हम मांस के लिए मारते हैं, उन लोगों या पशु पक्षियों को। तो ये कहानी हमको ये सीख देती है कि ये सिर्फ हमारा एक वहम है कि मांस के कारण खाना स्वादिष्ट होता है, उसके बजाय जो स्वाद है वो हम पौध आधारित भोजन में ढूंढें, पौध आधारित भोजन करें। दूसरा, हम मांस के लिए अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों से, लोगों से विश्वासघात ना करें। हम अपनी लालच के लिए किसी के साथ विश्वासघात ना करें, हम अपनी लालच के लिए किसी को मारें ना, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। ये कहानी हमें ये शिक्षा भी देती है। और साथ ही साथ बांस और बाकी जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, वो हमसे कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं, ये कहानी हमको ये बात भी सिखाती है। तो हमें आदिवासियों की इस लोक कथा से ये तमाम सीख लेनी चाहिए, मांसाहार बंद करना चाहिए, दूसरों का शोषण, दूसरों के साथ विश्वासघात, ये सब कुछ बंद करना चाहिए, खुद खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी, आसपास के लोगों को, पशु पक्षियों को भी खुशी खुशी अपना जीवन जीने देना चाहिए। तो धन्यवाद तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि इन तमाम जानकारियों और कहानी के बदले धन्यवाद आपको कमेंट में देना है। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है? ऐसी अगर और कहानी आपके जहन में भी है तो वो तमाम बातें कृपया कमेंट में हमको बताएं। नेचर क्लब फाउंडेशन के साथ जुड़े रहें।